हमारे भी खींच लो। नहीं कोई बात नहीं, चलो अब तो खींच लो। हेलो जजेस, हाय हाय, अमेजिंग परफॉर्मेंस। कैसे सर? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कैसे मैम? हाउ आर यू? ओह माय गॉड, सो ओके माय लव। हेलो सर, ओ सॉरी। ओके सो जजेस, हमारे सारे कंटेस्टेंट्स के लिए किसी ने अपनी बेस्ट विशेस भेजी हैं, आप जानना चाहेंगे कौन है? So this person is very special. So you think you can dance America ke season 12 ke winner aur ek behtareen stage dancer, Gabby Diaz. Or before you go that side, there is one more person. Please take your stand there. Ek aur judges, aap logo ke liye ek aur aise shakhs hain jinhone apne best wishes hum sab ke liye bheje hain aur wo hain American super hit movie Step Up ke performer aur So You Think You Can Dance season 12 ke street captain Stephen Lauren Twitch. Aaiye dekhte hain. Hi guys, this is Gabby from So You Think You Can Dance America, and I want to wish Team Stage all the very best on their first season. 5, 6, 7, 8, tilt! Hey, what's up? This is Twitch from So You Think You Can Dance America, and this is a message for Team Street India. I'm trusting you to show India why the best dancers actually come from the streets. Team Street India. Woo! Squad. माधुरी जी, दी इट इज लाइक वी आर सीइंग मोस्ट ऑफ यू ऑन द टेलीविजन एक्चुअली, तो क्या अभी फिल्मों में, व्हाट आर योर प्लान्स एंड किस तरह की स्क्रिप्ट आर यू लुकिंग आउट फॉर एक्चुअली? वेल राइट नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सो यू थिंक यू कैन डांस, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा शो है। वी आर हैविंग सम वेरी वेरी गुड कंटेस्टेंट्स ऑन दिस शो। जहाँ मूवीज की बात है, एक्टिंग इज माई फर्स्ट लव, डांस इज माई पैशन। तो एक्टिंग ऑफ कोर्स आई विल बी डूइंग एट सम पॉइंट, बट एज सून एज आई फाइंड समथिंग दैट्स That I like, तो जरूर करूंगी मैं। हाय माधुरी जी, इधर क्या, लेफ्ट राइट? नहीं है, लाइट हमारे फेस पे है, राइट में। माधुरी, ये जानना चाहेंगे, या तीनों जजों से ये जानना चाहूंगी कि आप लोग किस तरह का डांस पसंद करते हो, स्ट्रेट या स्टेज? वेल मुझ में स्टेज है, क्योंकि मैं कथक सीखी हूँ, तो ऑफकोर्स दैट्स अ स्टेज थिंग, लेकिन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रीट इन मी ऑल्सो, क्योंकि जब आप बॉलीवुड डांसिंग करते हैं तो इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ ऑल स्टाइल्स। जैसे बॉस्को ने इतने सारे गाने किए हैं, एक भी मेरे साथ नहीं किया अभी तक, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, तो यू नो आई फील यू मैन, दैट्स व्हाट आई से नाउ। और दोनों जजेस बताएं। यार मैं डांस पसंद करता हूँ, वो कोई भी स्टाइल में हो, शुड कम फ्रॉम द हार्ट। वेल मेरी शुरुआत जो हुई स्ट्रीट से हुई, क्योंकि उस जमाने में कोई सिखाने वाला था नहीं, बट आगे जाके मैंने स्टेज स्टाइल्स सीखे, सो आई वुड से आई कनेक्ट विद स्टेज स्टाइल्स, लेकिन स्ट्रीट स्टाइल जो है वो मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट लोकल फ्लेवर्स। वैसे थीम कैसे आया दिमाग में, ऑर्गेनाइजर से पूछना? सो यू थिंक यू कैन डांस जो अभी नो इट्स रनिंग इन अबाउट 35 नेशंस, इट्स वन ऑफ द लीडिंग डांसिंग फॉर्मेट्स, और अमेरिका में जो अब चल रहा है इज स्ट्रीट वर्सेस डांस, स्ट्रीट स्टेज, एंड दैट्स व्हाट वी आर ब्रिंगिंग टू इंडिया। सो व्हाट्स हैपनिंग इन सीजन 6 देयर इज समथिंग व्हिच वी आर गेटिंग इनटू इंडिया इन द फर्स्ट सीजन इटसेल्फ, सो दैट वाज द थिंकिंग बिहाइंड इट। माधुरी ऑन योर सेंटर, माधुरी जी आपके हिसाब से कौन सबसे अच्छा स्ट्रीट डांसर है और कौन सबसे अच्छा स्टेज डांसर? यू हैव टू मेंशन वन नेम, आपको एक एक नाम तो बताना पड़ेगा। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रीट डांसर कौन सा और स्टेज डांसर कौन सा है? वेल स्टेज में देयर आर सो मेनी क्लासिकल डांसर्स हैं, जैसे महाराज जी है, बिरजू महाराज जी हैं, एक तो यहाँ बैठा है, और लाइक टेरेंस लुइस, आई थिंक ही इज अ वंडरफुल स्टेज डांसर। और जो स्ट्रीट डांसिंग स्टाइल है, स्ट्रीट में थैंक यू, वो खुद ही ले रहे हैं अपना, यू नो ही इज टेकिंग ऑल द अटेंशन, लेकिन ऑफ कोर्स बॉस्को is a fabulous street dancer. और कितने नाम लूँ, बहुत सारे नाम हैं, there's so many names, there's Govinda who's a fantastic, I'm a street dancer, you know, और there is Ritik who's a lovely stage dancer and he can do any kind of dancing, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। Hi Moni, माता जी, hello, hi,
Hi, I'm Anuka. My question for Mr. Rajesh. Why did you choose this time slot when there are other reality shows in the same time slot? There are no reality shows at that same time slot. To answer that question, between 8 and 10 is where the highest consumption of TV over the weekend happens. And tactically, it works very well for us to place it at 8:30. So I think so it is an advantage for us to place it at 8:30 and therefore that decision. Moni, hi. आलोक हाय मोनी बहुत सारी परफॉर्मेंस होने वाली है स्टेज पर भी और शो में भी तो आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि आप होस्ट करेंगे तो क्या आपका नागिन डांस हमें इसमें देखने को मिलने वाला है जी नहीं इसमें आपको मेरा कोई नागिन डांस देखने को नहीं मिलेगा ऑनेस्टली एक्चुअली मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी पहले कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन स्टेज डांसर कौन है वो है माधुरी मैम आई थिंक मोस्ट ऑफ द शो आई एम जस्ट गोना स्टैंड देयर एंड लुक एट हर फेस चलिए मैं करवा लूंगी नागिन डांस इनसे माधुरी जी आज से काफी साल पहले जब कहीं ना कहीं है आपका फर्स्ट शो था तो मैंने स्क्रिप्ट में आपके साथ काम किया था उस समय से लेकर अब तक आप में कोई बदलाव नहीं आया लेकिन रियलिटी शोज में काफी बदलाव आए हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आए हैं और अच्छे बदलाव आए हैं बहुत अच्छा बदलाव आया जब हमने शो किया था इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड और बहुत ही एक नॉवल आइडिया थी जहां रियल मैरिजेस अरेंज मैरिजेस हम टीवी पे करा रहे थे तो तब थोड़ा सा रियलिटी के लिए इतना अच्छा रुख नहीं था लोगों का दे वर सेइंग इतनी प्राइवेट चीज़ है क्यों इसे टीवी पे कर रहे हैं लेकिन आज आप इतने सारे रियलिटी शोज़ देख रहे हैं लेकिन एक बात है इन रियलिटी शोज़ में सबसे अच्छी बात यह है कि इतना अच्छा टैलेंट लोगों को देखने मिल रहा है Even in So You Think You Can Dance, छोटे छोटे गाँव में से ऐसे ऐसे dancers इंडिया में हैं इतना टैलेंट है और वो डिस्कवर होने वाला है ये सबसे बड़ी बात है थैंक यू हेलो हाय पल्लवी सेंटर में मेरा जो क्वेश्चन है तीनों जजेस से है कि अभी जितने भी मतलब जो आप रियलिटी शोज की बात कर रही हैं अधिकतर क्या होता है कि इंटरनेशनल डांस फॉर्म तो बहुत सामने आ रहे हैं लेकिन जो भारत के कहना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि गांव कस्बे से हुनर तो आ रहा है लेकिन वो भी इंटरनेशनल डांस फॉर्म ही लेके आ रहे हैं तो क्या हम उम्मीद करें कि ये डांस शो हमें कुछ रियल स्ट्रीट फ्लेवर दिखा पाएगा वेल मेरी एक डांस एकेडमी है ऑनलाइन डांस विद माधुरी उसमें एक स्टाइल नहीं बहुत सारे स्टाइल सिखाए कोई इंटरनेट स्टाइल नहीं है इंटरनेट पर बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स लोग सीख रहे हैं क्लासिकल से लेके हिप हॉप से लेके स्ट्रीट तक और बेहतरीन जो डांसर्स हैं वो सिखा रहे हैं ऑनलाइन और बॉस्को यू वुड लाइक टू से कि कैसे या मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने काफ़ी डांस स्टाइल्स कवर किए हैं एंड इंटरनेट ने इतना एक्सपोजर दिया है सो एवरीबडी इज़ अवेयर कि कितने डांस यू नो स्टाइल्स हैं और आई थिंक वी ऑल्सो हैव क्लासिकल फॉर्म जो आ रहा है एंड इट्स गोना बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट विथ सो मेनी डांस फॉर्म्स कम्पीटिंग हेलो मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि इस बार मैंने बहुत सारे डांस शोज जज किए हैं लेकिन जहाँ सारे शोज ख़त्म होते हैं वहाँ से हमारा शो शुरू हुआ ऑडिशन राउंड में दैट वाज द लेवल दैट वी हैड सेकेंडली मैं ताजुब हो गया क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार उसने एक ऐसा स्टाइल किया विच वॉज अ मिक्स ऑफ ओडिसी एंड बेली डांसिंग And I will never forget it because generally जब कोई ये स्टाइल करता है तो ओडिसी के दो टुकड़े करता है बेली के दो टुकड़े उन्होंने दोनों टुकड़ों को एक कर दिया और एक अंग से हाथ चल रहे थे ओडिसी के लेकिन एक पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज इन यू नो बेली डांसिंग एंड वो परफॉर्मेंस जब आप देखोगे ऑडिशंस में यू विल बी कम्प्लीटली अमेज्ड कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस फ्यूज हो रहे हैं और क्या क्या नया टैलेंट खुद ब खुद निखर कर आ रहा है सो आई थिंक इट्स अ चैलेंज टू इवन जज दिस कॉम्पिटिशन एंड द शो बिकॉज द क्वालिटी ऑफ लेवल ऑफ डांसर्स इज जस्ट अमेजिंग सो आई एम जस्ट वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज कि बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ऑल्सो द अवेयरनेस द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेयरनेस कि क्या क्या स्टाइल्स हैं चॉइसिस क्या है मेरे ये भी देखने को मिल रहा है और वो सिलेक्ट कर रहे हैं और उसी में घुस रहे हैं और वहाँ पर वो अपने आप को बहुत मजबूत बना रहे हैं सो द क्वालिटी ऑफ लेवल द क्वालिटी ऑफ द शो द क्वालिटी ऑफ डांसिंग द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज वे वेरी हाई गुड इवनिंग टेरेंस गुड इवनिंग माधुरी दिस इज समीना फ्रॉम एशियन एज टेक एंड क्रॉनिकल टेरेंस यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर माई क्वेश्चन यू बीन पार्ट ऑफ वेरियस सीजन्स ऑफ डांस इंडिया डांस एज अ व्यूअर एज एन ऑडियंस
Why do you think I should watch this show? What are you bringing to the table? How is it different from other reality shows, dance reality shows? Okay. Dance kyun rahe ho? You're not angry, na? Like, itna gussa mat karo. You're angry, yeah. You have to dance. What happened? Yeah. I was holding the mic when We're just having fun. First of all, thank you, Samina, for coming on this platform. And that's a very good question you've asked. Dance India Dance, when I took up that show, the only other show that was there was Boogie Woogie, and the only styles that you could see on that show was Bollywood. And then Dance India Dance and came with a lot of surge of styles. But in all the seasons, if you see, it was always raw dancers who were getting opportunities and who were progressing, and that journey was amazing to track. Over a period of time, Dance India Dance brought so much of awareness and respect that a lot of students and a lot of dancers and a lot of parents started encouraging and pushing children to train. Now what has happened is there is nobody kacha roti in our show in So You Think You Can Dance. Everybody who is coming today is super well trained, knows how to hold their bodies, their techniques are fabulous. So there is no platform or there is no showcasing where somebody who's of that level can compete with the best of best in that level. So there was a lot of rawness that happened in Dance India Dance. But So You Think You Can Dance is basically a show where all shows stop in the finale, we start that level on the audition round. So in many ways, the quality, the technique, the creativity is so high that a show like So You Think You Can Dance was the only platform that could bring and house them together. So in my opinion, it's way I also remember when Dance India Dance was given to me, for me, So You Think It was a Bible. Ki, this is where I would like my show to go. And I thought one day I should at least choreograph for So You Think You Can Dance America. It is my great luck or whatever you say, Naseeb, that today the show has come to me where I'm judging it, and I think it's a great honor because the quality and the level that So You Think has set is so high, and I'm glad that today India has also trained dancers who can match up to that level. So I'm very proud that it's at the right moment come to us. Had this show to come 5 years ago, it would have been premature and it would have just tanked. But today, the moment is ripe because the dancers have seen those shows, the earlier shows which I have judged, and they've realized that training, practice, technique is what's going to get you to a level of an artist. What I would always say is ABCD, which is a phrase I had coined, anybody can dance, but not everybody can become a dancer, and very few can become an artist. So You Think You Can Dance will present not dancers or people who want to dance, but will present artists. Hi, Abhishek. Hello, Madhuri ma'am. This is Pooja from Telly Masala. Madhuri ma'am, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी माधुरी दीक्षित का नाम किसी रियलिटी शो से जुड़ता है तो अक्सर सबसे पहले लोगों के दिमाग में झलक का ख्याल आता है, लेकिन इस बार आप एक नए रियलिटी शो के साथ में आ रही हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप झलक की फिर से आप ज्वाइन करेंगी या इसी शो के साथ कंटिन्यू करेंगी, और ये इस शो में आप कितना डिफरेंटली झलक से जज करेंगी सभी? बस झलक के मैं 4 या 5 सीजन कर चुकी हूँ, और झलक और इसमें ये डिफरेंस है कि झलक में ये सब सेलिब्रिटीज़ थे जिनको हम जज करते थे, उनकी एक अलग जर्नी होती थी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे थे जिन्होंने डांस सीखा नहीं था और झलक पे पहली बार उन्होंने डांस करके देयर जर्नी वेयर अ नॉन डांसर बिकेम अ डांसर। लेकिन यहाँ पे इट्स द कॉमन मैन, और कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आया कि एक कॉमन मैन के साथ मैं जुड़ सकती हूँ, उनके साथ बातें कर सकती हूँ, उनके साथ यू नो इंटरेक्ट कर सकती हूँ, और उनकी जर्नी है कि वो हैं डांसर्स, पैशनेट डांसर्स हैं जिन्होंने अपने रियल लाइफ में इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, जहाँ फैमिलीज ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया है, वो अकेले हैं बिल्कुल, लेकिन डांस के लिए इतना पैशन है कि वो उस पैशन को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे लोग हमारे शो पे हैं, और उनसे जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ, उनका डांस देखती हूँ, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। उनके स्टोरीज़ हैं, उनके एक अलग बैकग्राउंड है, और आई थॉट दैट वाज आल्सो वेरी फैसिनेटिंग, और मैंने सोचा कि इट विल बी अ ग्रेट शो टू डू। हाय अभिषेक, अभिषेक हमेशा देखा है कि एंडमोल नए आइडियाज़ लेकर आता है, आप ये बताइए कि इस प्लेटफॉर्म में क्या इंटरनेशनल डांसर्स भी आएंगे? जी हाँ, इसमें वी विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल डांसर्स आल्सो कमिंग इन टू स्प्रूस अप द शो। इट्स ओनली गोना ऐड टू द होल लेवल ऑफ द शो गोइंग अप। वी आर वेरी हैप्पी दैट्स अवेलेबल टू अस ऑन दिस, दैट विल आल्सो
make one differentiator for the show this year? No, Madhuri ji said, I mean, dancers are coming from different corner of the country. There's a talent. So we are a varied country. Different regions have there are different dances. Manipuri dances are there, Bihu dance is there. Whether there will be an attempt to integrate, to give them, I mean, presentation to different regions. हाँ बिल्कुल अभी हमने ऑडिशंस किए उसमें ओडिसी था भरतनाट्यम था छाव डांस था कथक था और बहुत सारे ऐसे डांसेस थे जो प्योर भी किए कई लोगों ने और कई लोगों ने उसको इनोवेट करके फ्यूज करके किसी और डांस फॉर्म स्टाइल से एक अपनी एक स्टाइल बनाई थी सो बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ें हमें देखने मिली और वो आगे भी आपको देखने मिलेंगी मेरा सवाल आप तीनों जजेस से है आप तीनों की डांस एकेडमीज हैं और आप खास तौर पे टेरेंस जी ने तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है अगर ये डांस शो खत्म होने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि उनको थोड़ी सी उनको पॉलिश करने की जरूरत है तो क्या आप लोग उन बच्चों की हेल्प करेंगे एब्सोल्युटली एक्चुअली श्योरली बॉस्को यू गो अहेड ओके फर्स्टली बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिले जो रॉ थे जनरली फॉर्मेट क्या है कि रॉ बच्चों को भी लेकर वी शो देयर जर्नी बट सो यू थिंक यू कैन डांस का लेवल इतना आया है दैट वी कुडंट लेट देम गो टू द ऑडिशन बिकॉज बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को फिर वो स्लॉट नहीं मिलती सो व्हेन आई सॉ दैट पोटेंशियल मेनी टाइम्स इन द ऑडिशन यू विल सी कि मैंने ऑफर किया है टेकन देयर नंबर्स और जो वादा करता हूँ मैं पूरा करता हूँ आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट सो आई मेड श्योर आई टुक द नंबर आई हैव कॉल्ड देम ऑलरेडी आई हैव टोल्ड देम बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूट में आई डोंट टीच ओपन क्लासेस I don't have any branches and I don't have any franchises. I do not teach anywhere in the world, not even in a city. There's only one place where I teach and it's a Terence Lewis Professional Training Institute where we teach only professionals. So, unko maine ek professional training certificate program bhi institute kiya hai. Aur hamare jo top 20 jo select ho jayenge, har hafte they will also get eliminated because they don't have votes. I personally feel that their journey should continue. So I have taken the zimmedari that I'm going to take, absorb all those top 18, 19 dancers who get eliminated into my training institute where they will get professional training that allows them to get international exposure in the diploma course. Because I have a diploma course in Mumbai, which is the only one in India and in Mumbai. And they will get opportunity to kind of also, you know, continue with their dance training so they get international exposure eventually. Aajkal bahut sare choreographers jo nikle hain and who are also in many other competition level shows, they have all trained from the institute. So we're very happy to supply more people from the industry who are of a certain level and quality. Bosco, you want to add to it? Yeah, I think once they finish training with Terence, the films are always there. Yes, so what happens is I don't have any place to give them jobs. They go to Bosco and many other choreographers. Yeah. And we'll make them larger than life. So you think you can dance gives them that platform. And who knows, we also, some of the auditioners who didn't make it through, is bar kai sare the, we felt ki agar thodi bahut training mil jati, they could have gone ahead. So humne bahut saron ko chhanta and we filtered them to the top 93 and then from the top 93, 40, 40 to 20. It was a long, tedious process. Let me tell you one more thing. Itne sare shows maine judge kiye hain. So you think you can dance had just too many audition levels. It was crazy. They had to go through. I really felt ki ye kya, what kind of levels they had to go through. They had choreography round. They had their own choreography round. They had their solo round. They had four levels of screening. But I think that was nice, Terence. And it was nice because they went through that process. Too good. It was a difficult choice to make. So in a way, it was tough for the dancers. But those who didn't get selected also, I'm telling you, they were phenomenal. And I'm so excited. Main bahut utsuk hun because I want to take those dancers who didn't get selected and present them next year and showcase them. And many of them were classical dancers who were not able to handle other styles. I want to take certain classical dancers, make them versatile and make sure that one day they will be also my winners. And that's my challenge. Hello. Yeah. Hi, Ritvik. Hi. Hello. Hi, Madhuri ji, over here. See, I cannot just stand because there is camera behind, so I will just sit. Yeah. No problem. So, Madhuri ji, since you are a dance diva, you have been called the most versatile dancer of the Bollywood. So, what's the reason you would like to mention why you selected AntTV to just, to just come on the AntTV? I think it's not the TV, or it's, of course, AntTV is very popular. और उनके दो तीन प्रोग्राम्स तो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन सो यू थिंक यू कैन डांस इसकी जो मतलब जो वैल्यूज़ इट ब्रिंग्स टू डांसिंग जिस तरीके का शो है
जो स्टैंडर्ड का शो है आई वॉज वेरी टेकन इन बाय इट. और मैं US में 10-12 साल थी तो वहाँ पे भी मैंने इस शो को फॉलो किया था तो मुझे पता था कि इस शो पे बेहतरीन डांसर्स आते हैं. और क्योंकि डांसिंग मेरा पैशन है मुझे लगा ये शो मेरे लिए बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा और इसीलिए किया. Terence, Madhuri, and this question is will all three of you, Terence, Madhuri ji, and Bosco, of course, yeah. So, So Bollywood industry is one of the biggest industry in the world now. So where do you see Bollywood dancers in the international arena? Well. Whenever we perform or whenever I'm shooting out abroad, the only songs that are enjoyed and played are the Bollywood songs. And the way they dance, they just feel free. So I think the kind of impact that Bollywood has, it's all over the world and we can feel that. So this is the best platform and we can just spread out love through dancing. Not just that, वहाँ के भी जो dancers हैं उनको एक वीक हमेशा हफ्ता आता है जहां उनको बॉलीवुड डांसिंग करना पड़ता है. सो आई थिंक बॉलीवुड डांसिंग इज वेरी वेरी इज ह्यूज. हेलो ऋत्विक. हाय हेलो ऋत्विक, एक चीज जाननी थी आपसे. जब माधुरी जी एन टीवी पर हैं तो कितना दिल आपका धक धक करता है? आपका सवाल बड़ा पेचीदा है. माधुरी जी एन टीवी पर है तो मेरा दिल कितना धक. माधुरी जी कोई भी टीवी पर हो मेरा दिल धक धक करता है. अच्छा मतलब ऋत्विक जी मैं एक्चुअली अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपने सो यू थिंक यू कैन डांस क्यों होस्ट करना चाहा तो इट्स ओनली एंड ओनली फॉर माधुरी मैम. ऋत्विक साइड मी टू जी. हेलो मेरा सवाल. हेलो हां पूछिए. मेरा मैं पूछ रही हूं आपसे भी पूछ रही हूं. मेरा सवाल भाई बाय द वे आप पांचों से हैं स्टेज पर पांच लोग हैं जो डांसर डांस जिन्होंने सीखा है और डांस जानते हैं. जब आप लोगों ने शुरू किया था डांस आप सीखना और आज जबकि बहुत अवेयरनेस हो चुके हैं बहुत सारे रियलिटी शोज आ चुके हैं आपको क्या लगता है कि लोगों की परसेप्शन में कितना चेंज आया है कितना रिस्पेक्ट एक किस्म से बढ़ी है? और दूसरा सवाल ये है कि जो तादाद इतनी सारी बहुत सारे रियलिटी शोज एक साथ आने लगे हैं लास्ट अभी थोड़े दिन पहले 3 रियलिटी शोज डांस के एक साथ चल रहे थे तो आप एक ही देख सकते हो तो ये तादाद इतना सारा होना कितना बेहतर है डांस के लिए या कमतर है जो भी. सो फर्स्टली आपका दूसरा जो सवाल है इट आंसर्स द क्वेश्चन कि इतने सारे लोग देख रहे हैं और इतने सारे शोज चल रहे हैं दैट मीन्स डांस इज़ बिकमिंग पॉपुलर क्लियरली. और उसकी एक वजह है कि रिस्पेक्ट मिल चुका है डांस को एंड ऑल्सो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डांस. एक ज़माना था कि अगर डांस सीख कर क्या कर सकते हैं. नाउ इट्स अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. देर आर वेरियस करियर्स आई दिन द बॉलीवुड इंडस्ट्री आई दिन द टीचिंग इंडस्ट्री आई दिन द कोरियोग्राफी और यू कैन ऑल्सो बी एन आर्टिस्ट. सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल प्लस देयर इज टेलीविजन शोज वहीं जहाँ पे एक यू नो एक अंजाम इंसान को पहचान मिलती है. So that is a very, very key reason why a lot of people have realized that there is respect, there is value. Aur wahan jaakar unka ek stepping platform ban jata hai. Bahut log poochte hain ki is show ke baad kya. Let me tell you that many people who have been winners or who have also just been participants, the number of workshops they conduct, jo wahan pe 2000 kamate now they conducting 20, ek din mein 20,000 utha lete hain. So their lifestyle has changed. उनका जो नेम और फेम है दैट ऑल्सो हैज गिवन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी. सो आई फील इन अ वेरी बिग वे दैट टेलीविजन हैज रियली चेंज्ड एंड डन अ लॉट फॉर डांस एंड आई वांट टू रियली थैंक दैट बिकॉज अदरवाइज देयर वुड हैव बीन नो अवेयरनेस एंड नो रिस्पेक्टेबिलिटी. सो थैंक यू फॉर दैट. टेलीविजन हैज डन अ ह्यूज थिंग फॉर डांस. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट बिकॉज देयर वाज अ टाइम वेयर वी हैड टू स्ट्रगल टू कन्विंस आवर पेरेंट्स. टुडे आई नो दैट पेरेंट्स हिट देयर चिल्ड्रन जा डांस क्लास जा. So the whole perception has changed today and there's a lot of value for it and people have appreciate the hard work it takes to become a good dancer. So that's Hello. Great. Rajesh sir. Hello. Guys, this is the last question. Hi. Rajesh sir. Yeah. The question is to Madhuri ma'am. Rajesh sir. Alok here. Sir, ek sawal aapse ye tha ki kitna mushkil tha aapko Madhuri ko is show mein lana ya nayi bhabhi ji ko NTV par lana? No, Madhuri was gracious enough when we went and approached her to, and kind enough to accept the show. I think so. There was no one better who could judge the show. She gives us the credibility and the gravitas for the show. Terence and Bosco are legends in their own right. I think so. We couldn't have asked for a better
panel to judge this particular show. So we are extremely happy and thankful to the entire set of jury. As far as your second question is, Bhabhi ji, we will talk about it on the side. And I will say, why are you asking? Bhabhi ji and Madhuri ji are also at home. The last question? Hello. Okay. Yeah, thank you. My question to Madhuri ma'am is, what is the word you're going to change for the word perfect? You'll have to wait for the show to come on. But perfect question pucha hai aapne. Pata hai, wo perfect bhi aise ho gaya tha. Karte 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 ho gaya wo. To kuch na kuch aayega hi. Because jitne bhi yahan contestants hain hamare show pe, they are so inspiring. To kuch na kuch inspiring ho hi jayega. Once we start shooting. All right, everybody. Thank you so much for all your questions and being here. And can we hear it for our judges one more time, everybody? Make some noise. Come on.